So we will today discuss the work in thermodynamics. Normally जो work होता है आपका mechanical work भी होता है, electrical work भी होता है, surface tension का भी against work होता है. तो हम लोग जो है उन सब work के बारे में discuss नहीं करेंगे. आज हम discuss करेंगे thermodynamic work के बारे में. Thermodynamic work जो है वो आपका PV expansion के में बनता है. ठीक है, उसमें वॉल्यूम आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक्सपेंड भी हो सकता है. तो सबसे पहले जो है हम इसको साइन कन्वेंशन देंगे. तो केमिस्ट्री में जो आपकी साइन कन्वेंशन होती है वर्क डन ऑन दी सिस्टम, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव. वर्क डन बाय दी सिस्टम नेगेटिव. ठीक है, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम आपका नेगेटिव. इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव. तो ऐसी साइन कन्वेंशन हम लोग क्यों लेते हैं? फिजिक्स में आप देखोगे कि भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव मानेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव मानेंगे. और आपका जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, जब केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाएंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये तो किसमें चलेगा? केमिस्ट्री में. और फिजिक्स में क्या करोगे जी आप फॉलो? डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि ये साइन कन्वेंशन मतलब फिजिक्स में अलग केमिस्ट्री में अलग क्यों, और बच्चों के कंफ्यूजन के कारण भी पड़ती है बनती है, क्योंकि हम तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम लोग फिजिक्स भी पढ़ते हो. उसका रीजन ये है कि दोनों जगह सोचने का तरीका है. यहां पर हम लोग सिस्टम के बारे में सोचते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को जो फैक्टर आपका इंक्रीज करेगा दैट इज पॉजिटिव, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करेगा दैट इज नेगेटिव. और यहां पर जो है आपका सराउंडिंग की एनर्जी को हम देखेंगे, सराउंडिंग एनर्जी जिस वजह से इंक्रीज होगी दैट इज पॉजिटिव, जिस वजह से डिक्रीज होगी दैट इज नेगेटिव. तो आपकी ये हम साइन कन्वेंशन यहां पर फॉलो करते हैं. उसके बाद जो आपके यहां पर वर्क है, ठीक है, वर्क में आपके जो प्रोसेसेस हैं, चार तरीके के आपके प्रोसेसेस, चार पांच तरीके के प्रोसेसेस जो हमने डिस्कस करे थे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ठीक है, और आइसोबारिक एंड साइक्लिक. इन सब में जो है आपका क्या वर्क डन होगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा. इनको हम आगे क्लासिफाई भी कर लेते हैं, फिर आगे और इनको हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि भाई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. इसमें भी आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसमें भी ऐसे आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस को. आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो इसमें वर्क डन कितना होगा? वर्क डन जो आपका डब्ल्यू होता है, ये डी डब्ल्यू होता है स्मॉल वर्क, दैट इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डी पी, और डब्ल्यू दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन. ठीक
ठीक है, अब इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला लग जाए तो ठीक है, नहीं लगा तो हम उसको ग्राफ के एरिया की पीवी जो भी एरिया होता है उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई मान लीजिए आपका जो है इस तरीके का आता है, ये पी है, ये वी है, तो ये जो एरिया है आपका, ये आपका डब्ल्यू है। ठीक है, तो बहुत सारे केस में फार्मूले बन जाएंगे, हम उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये हमारे को सबके रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ में आनी चाहिए, और क्वेश्चन में आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है के इरिवर्सिबल है, क्योंकि दोनों में वर्क का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो सकता है। और आपका जब आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि डीवी आपका जीरो है, डीवी जीरो है तो आपका क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। इसके दोनों केसेस में आपका W जीरो, और आइसोबारिक के केस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज होता है, तो आपका ये जो P एक्सटर्नल है बाहर आ जाएगा, और dV का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dV का इंटीग्रेशन V2 और V1 की लिमिट्स में, तो आपका यहां पर जो W बैठेगा दैट इज इक्वल टू P इंटीग्रेशन V2 माइनस V1। ठीक है, ये आपका इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में आप जो हो, रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल लगभग पी गैस के बराबर होगा, तो इरिवर्सिबल में आप ये फार्मूला लगा देंगे, और रिवर्सिबल में ये W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी बन जाएगा, या पी वी टू माइनस वी वन, और यहाँ पी जो है आपका गैस का प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और गैस के प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस में लगभग सिमिलर से होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल वाला। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि भाई एक कंडीशन है, ये ग्राफ है आपका पी बी, ये आपका ए था, ये बी तक आपका आया यहां से यहां तक, और ये आपका रेफरेंस कर्व का भी काम करता है, तो ये आपका जो है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, उल्टा कर दे तो वो आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन हो जाएगा, तो उसका डायग्राम आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये ए, ये बी, जो है आपका यहां पर हमारे को वर्क के बारे में सोचना है। तो आप जान रहे हैं कि भाई इसमें जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है बहुत ही स्लो हो रहा है, और पी एक्सटर्नल जो है बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और जो ये गैस का प्रेशर पी है, और उसमें रिलेशन ये है कि पी एक्सटर्नल आप एक्सपेंशन का केस ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू पी माइनस डी पी। ठीक है, जिसको आप पी के लगभग बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है, और आपको W निकालना है, तो W इज इक्वल टू क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन। अब इस पी के इज इक्वल टू क्या है आपका एनआरटी बाय वी, और यहां पर आपने W की वैल्यू यहां पर रखी W बेस की, तो ये क्या आ गया आपका माइनस पी एन आर टी बाय वी का इंटीग्रेशन और डीवी। ठीक, आपका जो एनआरटी है, टी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, टी कांस्टेंट है, आर बी एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और एन नंबर ऑफ मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो भी अपने आप में कांस्टेंट है, कि आप जो एक पिस्टन ने रखा है और इसमें रेत रखी हुई है, इसको धीरे 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 एक एक पार्टिकल करके आप रिमूव कर रहे हैं, तो आपका ये भार आ गया माइनस एनआरटी डीवी बाय वी का इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट लगा दें वी वन टू वी टू। ठीक है, कि ये वॉल्यूम आपका क्या था, वी वन था, ये वॉल्यूम क्या था, वी टू था, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, ये आपका आ जाएगा लॉग माइनस एन आर टी लॉग बेस ई वी टू ओवर वी वन। ठीक है, अब इसको आप जो हो
10 में इसमें कन्वर्ट कर ले तो क्या हो जाएगा माइनस 10 RT इंटू 2.303 log बेस 10 V2 ओवर V1। इसमें यदि ये गैस के प्रेशर दे रखे हो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2.303 NRT log बेस 10 V1 ओवर V2। तो आइसोथर्मल आइडियल गैस के लिए आपका W का ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे फॉर आइडियल्स। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क फॉर आइडियल गैस। ये आपका रिवर्सिबल के लिए हमने रखा था और ये रेफरेंस कर्व का भी काम करता है और इसमें जो वर्क डन होगा आपका वो ये एरिया होगा, ठीक है। अब हम लोग रिवर्सिबल आइसो रिवर्सिबल, ये आपका रेफरेंस कर्व हो गया ए से बी तक, ठीक है, ये पी हो गया और ये वी हो गया, ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल पाथ था। अब हम इस पर वन स्टेप इरिवर्सिबल पाथ से आए, ठीक है, तो आपका ये पाथ था, ठीक, तो आपका वर्क डन का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वन स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। हो सकता है इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपके बहुत सारे स्टेप्स भी हो और हो सकता है हम जो है टू स्टेप्स का ले लेते हैं। तो टू स्टेप्स में क्या होगा आपका कि ये पी ये वी ये आपका रेफरेंस कर ए टू बी पहुंचे हम आइसोथर्मल, इससे एक हो सकता है हम यहां पे पहुंचे हो फिर जो है हम यहां से यहां। तो इसमें वर्क डन कितना होगा आपका, इतना होगा, ठीक है, तो इस वर्क को हम निकाल लेंगे और इस वर्क को हम निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें जो वर्क हुआ उसको मान लिया हमने W रिवर्सिबल, इसमें जो वर्क हुआ उसको मान लिया हमने W इरिवर्सिबल वर्क वन स्टेप में, इसका नाम दे दिया हमने W इरिवर्सिबल टू, ठीक है। तो आपका वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें इसमें इसमें, ठीक है। यहां पर आप वर्क की साइन कन्वेंशन को ध्यान रखिए, ठीक, ये आईडी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि वर्क किसमें है आपका माइनस मैग्नीट्यूड में, माइनस 20 ज्यादा होगा कि माइनस 10 के माइनस 15, कौन सा सबसे ज्यादा होगा, यानी कि माइनस 10 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यह आपका डब्ल्यू इरिवर्सिबल वर्क इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल टू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू रिवर्सिबल। लेकिन यदि हम इसके मॉड लगा दें मैग्नीट्यूड को देखें तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल वन इज लेस देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल टू इज लेस देन आपका डब्ल्यू रिवर्सिबल, ठीक है। यदि नेगेटिव साइन को हटा दें सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें, तो ये इस बात को आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। अब यदि मान लीजिए कि आपका जो यही वर्क है, ठीक, इसमें आपके nth स्टेप्स आ जाएगा, ठीक है, nth स्टेप्स आ जाएंगे तो आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा देखिए। ये आपका रेफरेंस कर्व है पी वी, मतलब ए भी मान लो, चलिए तो मान लीजिए छोटे छोटे स्टेप से ये हो के जा रहा है, यहां पे ये चेंज हुआ, 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 तो इस तरीके की आपकी बिल्डिंग्स बन जाएंगे। तो हम इन सब स्मॉल वर्क्स का सम कर देंगे, ठीक है।
तो इफ n becomes infinite, तो ये जो आपका irreversible process है, ठीक है, तो irreversible process that become reversible. तो ये आपके reversible expansion के केस में convert हो जाएगा. तो अब जो है हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क हमने भी एक्सपेंशन के केसेस डिस्कस करे, अब हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन का. ये आपका रेफरेंस कर रहा है पी वी, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, यहां से हम ये जा रहे हैं, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन रिवर्स. अब ये P और V लिया हमने, इसमें जो है हम वन स्टेप आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन. तो ये आपका रेफरेंस कर रहा मान लो ए, ये बी. अब आपका पाथ क्या है, ये ठीक है, तो आपका वर्क क्या होगा, अब आपका वर्क है नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि आपका जो है वर्क डन ऑन दी सिस्टम है, वैल्यू भले आप माइनस में पुट करेंगे फॉर्मूले में, लेकिन वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब जो है V2 माइनस V1, ये आपका V1 है, दिस वन वैल्यू इज V2, दिस वन V1, दिस इज V2, तो V2 माइनस V1 नेगेटिव है आपका, ठीक है. अब जो है आप तीसरा केस टू स्टेप का भी ले सकते हैं, पी वी ए, ये आपका बी, ये कर्व हो गया. अब आप इसमें टू स्टेप में गए, यहां से यहां गए मान लीजिए, फिर ये गया, ये आपका पाथ, ठीक. तो अब आपका वर्क डन कितना होगा, इतना ही, ठीक है. तो इसके वर्क डन को मान लिया हमने डब्ल्यू रिवर्स, इसके बाद वर्क को मान लिया हमने W इरिवर्सिबल वर्क, इसके बाद वर्क को मान लिया W इरिवर्सिबल टू. तो अब आपका जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो W इरिवर्सिबल वन इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल टू इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल, चाहे इसमें इनके मॉड ले लें हम लोग, is greater than W irreversible to is greater than W reversible का मॉड, ठीक. और इसके भी यदि हम उसी तरीके से nth steps करें तो आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ठीक है. तो इसमें आपका डायग्राम जो है ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है. ये आपका क्या है nth स्टेप इज आइसोथर्मल, और n जब आपका इंफिनिटी हो जाएगा तो आपका जो इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस बिकम्स,
ठीक है। अब जो है इसके वर्क से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। सो आपका जो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन में जो है आपका फार्मूला आप चाहेंगे तो वो आपका क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाय इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा ये पी एक्सटर्नल डीबी का इंटीग्रेशन। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है प्रोसेस के अंदर, तो ये आपका पी एक्सटर्नल बाहर आ गया, डीबी का इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो गया वी टू माइनस वी वन। आप वी टू वैल्यू हम रख सकते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन से, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हम ये फॉर्मूला रख लेते हैं पी एक्सटर्नल आपका एन आर टी ओवर पी टू माइनस एन आर टी ओवर पी वन। तो इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इनसे काफी सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका वही दो टाइप्स हो सकते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। तो पहले हम रिवर्सिबल का कैलकुलेट करेंगे, तो रिवर्सिबल में आपका जो है स्लोली चेंज होगा, धीरे धीरे होगा, और ये जो है आपका पी वी रेस टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो करता। अब रिवर्सिबल में जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो आप जानते हो कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका सिस्टम ऑफ सराउंडिंग्स के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो आपका क्यू जीरो होता है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो डेल्टा ई जब आपका डब्ल्यू है तो आपका जो ये जो फैक्टर है इसके बराबर होता है एन सी वी डेल्टा टी के, ठीक है। तो ये आपका एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि भाई सीपी ओवर सीवी इज इक्वल टू क्या होता है गामा, और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर मोलर हीट कैपेसिटी के रिलेशन होते हैं, रेनियर्स फार्मूला होता है। तो इसमें जब आप यहां पर सीवी से डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को तो ये क्या बन जाएगा सीपी ओवर सीवी माइनस सीवी ओवर सीवी इज इक्वल टू आर ओवर सीवी, तो ये बन जाएगा गामा, ये बन जाएगा वन इज इक्वल टू आर ओवर सीवी। तो सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओवर गामा माइनस वन। इस वैल्यू को जो है हम यहां पर पुट कर दें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आपका एन आर गामा माइनस वन और ये टी टू माइनस टी वन डेल्टा डी हो जाएगा। इसको आप ये कह सकते हैं एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन ओवर गामा माइनस वन, ये क्या हो जाएगा पी टू वी टू आइडियल गैस इक्वेशन से माइनस पी वन वी वन ओवर गामा माइनस वन, ये आपका यहां पर डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। इरिवर्सिबल में क्या होता है आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल आपका बाहर आ गया और ये वी टू माइनस वी वन ही हो गया, ठीक है। अब इस पर आप वैल्यू रख दीजिए तो माइनस पी एक्सटर्नल ओवर एन आर टी टू ओवर पी टू माइनस एन आर पी वन ओवर पी वन, ठीक है। तो ये आपका डब्ल्यू का फार्मूला बन जाता है। और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी क्वेश्चन में हो सकता है पी एक्सटर्नल पी टू के इक्वल हो सकता है वो उससे अलग, ठीक है। तो इन रिलेशनशिप्स का ध्यान रखते हुए हम किसी भी प्रोसेस में वर्क डन को कैलकुलेट करें। ये जो क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट वर्क डन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ए सबस्टेंस 3 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 10^5 पास्कल, और सेकेंड है वेरिएबल प्रेशर 10 + 5 VPa। तो इन दो क्वेश्चनों में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो आपका जो है फर्स्ट वाले केस में क्या होगा W इज इक्वल टू P
एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल कितना 10^5 वी टू माइनस वी वन, 5 माइनस आपका 3, 3 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 10^5 आपका जूल, ठीक है, माइनस का। अब सेकंड केस में आपको क्या करना है कि ये वेरिएबल लगातार प्रेशर है, तो 10 प्लस 5V और dV का इंटीग्रेशन करना है W माइनस, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेट करिए, ठीक। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा हमारे इसके कि आपका 10V प्लस 5/2 वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगा दें हम लोग, तो लिमिट लगाने पर ये क्या हो जाएगा आपका 10V2 माइनस V1, ठीक है। अब प्रेशर में माइनस लगा दें, भाग माइनस प्लस ब्रैकेट में आपका 5/2 और ये आपका क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनका हम सम कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 10V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 5/2, यहां कितना हो जाएगा दोनों डिफरेंस का आपका ये कितना हो जाएगा 25 माइनस आपका 9 यानी कि 16, तो माइनस 10 ये 20 हो गया आपका प्लस 5/2, ठीक है, और इंटू 16 कितना 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 60 जूल आपका आंसर। सो आपका जो क्वेश्चन है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 4 डेसीमीटर क्यूब टू 10 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट W, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोसेस हो रहा है आइसोथर्मली रिवर्सिबली हो रहा है, एक्सपेंशन वर्क डन आपका माइनस में आना है, और इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था W इज इक्वल टू 2.303 NRT log base E log base 10 V2 ओवर V1, ठीक है। तो आप जो है यहां पर वैल्यू पुट कर दें, तो 2.303 N कितना है आपका 2 R 8.314 T, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर ले, तो इसमें जो है T केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 प्लस 273, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो ये 300 रख दें, लॉग बेस 10, V2 कितना आपका 10/4, ठीक है। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और लॉग 2 4 को रख दोगे आप 2 log 2, तो दैट इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 और log 10 माइनस 2 log 2, इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.3010। इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा माइनस का माइनस रखे साइन 4571.6 जूल आंसर। दिस इज द क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 10 ATM 10 लीटर टू 2 ATM 50 लीटर आइसोथर्मली, फर्स्ट अगेंस्ट 5 ATM देन अगेंस्ट 2 ATM, कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच स्टेप एंड कंपेयर इट विद सिंगल स्टेप वर्क डन।
ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आप दो तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं. फर्स्ट जो है आप 5 एटीएम के केस में कर रहे हैं, देन फिर 2 एटीएम के और 50 लीटर. आइसोथर्मल है यानी कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 रहेगा आपका. तो यहां पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप. तो ये दोनों प्रोडक्ट कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका V2 20 लीटर. तो इसमें मान लो आप W1 है, इसमें क्या है W2. तो W1 कितना हो जाएगा आपका, इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि प्रेशर आपका क्या है कांस्टेंट है. कांस्टेंट प्रेशर का केस जब भी एक्सपेंशन होगा तो आपका इरिवर्सिबल होगा. तो इरिवर्सिबल है तो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1. तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 5 V2 कितना था आपका 20 माइनस 10 ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 50 एटीएम लीटर. अब उसके बाद जो है आपका यहां से वो 20 लीटर से 50 लीटर जा रहा है 2 एटीएम के केस में. तो यहां W2 कितना हो जाएगा आपका, आपका 2 इंटू वही पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1. तो ये आपका 50 माइनस 20, तो इसमें आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये माइनस का 60 एटीएम लीटर. तो टोटल जो आपका W है वो इस टू स्टेप प्रोसेस में W1 प्लस W2 है. ये माइनस 50 प्लस माइनस 60 दैट इज इक्वल टू माइनस 110 एटीएम आपका लीटर हो जाएगा. अब जब हम वन स्टेप में देखेंगे तो वन स्टेप में क्या होगा कि यहां पर जो आपका W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1. तो ये आपका पी एक्सटर्नल 2 एटीएम के केस में हुआ है और आपका V2 कितना है 50 माइनस 10 कितना है माइनस 80 एटीएम पर लीटर. तो यहां पर जो वर्क डन है आपका मैग्नीट्यूड में यदि आप देखें तो आपका टू स्टेप में ज्यादा होगा, वन स्टेप में कम वर्क का मैग्नीट्यूड, ठीक है. यदि आप वर्क देखेंगे तो इसमें ज्यादा होगा क्योंकि नेगेटिव में साइन.